हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉलर नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी कुर्ती है जिसे मैंने काट रखा है। मेरी कुर्ती का फ्रंट साइड है, इसी पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसी पे मैं निशान लगाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगी 2.5 इंच, ये देखिए, और इसे मैं ऐसे गोला कर दूंगी और इसे कट कर लूंगी। और यहाँ पे मैं लूंगी 5 इंच, ये देखिए, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 इंच। और इसके बाद मैं इसको ऐसे कट कर लूंगी। ये कटने के बाद ऐसे दिख रहा है, इसी जगह मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बकरन लिया है, यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये देखिए, और यहाँ पे भी, और इसे सीधा करके इसे कट कर लूँगी। उसके बाद इस बकरन को मैं ऐसे दो फोल्ड करूँगी। दो फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं इसे कट कर लूँगी, ऐसे ऐसे तिरछी लाइन खींच के। ये देखिए, अब मैं यहाँ 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इसको भी ऐसे सीधा कट कर लूंगी, ऐसे। अब मैं इसी तरह कपड़े को कट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है। और इसके बाद निशान लगाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए, अब इसे मैं एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा। और इसे कट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे कट कर लिया है। इस बकरन को मैं इसमें ऐसे रखूंगी और यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। और इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे भी एक सिलाई लगा दूंगी, ऐसे, ये देखिए। और यहाँ बीच में एक सिलाई लगाते हुए इस कपड़े को मैं इसे कट कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया है, ये बन चुका है। और ये मेरा बैक साइड है, और ये भी मेरा बैक साइड है। तो इसके ऊपर मैं इसको ऐसे रखूँगी यहाँ पे। और ये मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ रखा है, यहाँ पे मैं ऐसा सिलाई लगाते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब मैं इसको ऐसे पलट के, ये देखिए, यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, ऐसे पलटते हुए यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और ये मेरा बन चुका है। पीछे देखिए, हम पीछे भी ऐसे आया है। अब ये मैंने पट्टी काट रखी है डार्क कलर की, तो इसको मैं ऐसे मोड़ूंगी, ये देखिए। इसको मोड़ने के बाद यहाँ पे मैं ऐसे पतली पाइपिंग बनाते हुए यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बनने के बाद ये ऐसे दिख रहा है। मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। अब ये देखिए, मैंने छोटा सा कपड़ा लिया है, इसको मैं ऐसे मोड़ दूंगी यहाँ पे ऐसे। और इसको यहाँ पे लगा दूंगी ऐसे, और यहाँ तक अंदर साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड, कपड़े को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये मैंने पतली सी डोरी बना रखी है, ये देखिए, इसी कपड़े की। तो ये देखिए, इस डोरी को मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी, देखिए ऐसे, यहाँ पे लगाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने 6 टुकड़े काटे हैं, 2, 4, 6। अब मैं इसको ऐसे राउंड करूँगी, देखिए, और इसको यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें डोरी लगा दी है, ये देखिए,
और ये मेरा बैक साइड है। तो सबसे पहले हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है, मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड हम कॉलर लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कॉलर लगा दिया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखिए बहुत ही प्रिटी लग रहा है ऐसे। अब यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने मार्केट से बटन लिया है, मेरा मैचिंग का नहीं मिला इस कलर का, तो मैंने रेड कलर लिया है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाऊंगी। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। ये देखिए, इसे बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।